साहस सरोकार। केसीआर की बेटी ने बीजेपी सांसद को दी धमकी, बोली बीच चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, भाजपा नेता ने थाने में की शिकायत। सफाई चाहिए तो केजरीवाल को वोट दो, आपने एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए शुरू किया कूड़ा वाहन। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी नेता को समन, एसआईटी ने बीएल संतोष को 21 नवंबर को थाने बुलाया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू, 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। पहली बार दुनिया के सामने आई किम जोंग उन की बेटी, तानाशाह पिता के साथ देखा उत्तर कोरियाई मिसाइल लॉन्च। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश को दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से जोड़ने की अनूठी पहल की गई है। दरअसल काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। काशी में तमिलनाडु की संस्कृति की धूम दिखाई देने लगी है। तमिलनाडु के धर्मगुरुओं का जत्था पहुंचने लगा है। इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। यहां तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनने वाले प्रोडक्ट को लगाया गया है। 75 स्टॉल एपिथिएटर ग्राउंड में लगाए गए हैं। खबर रायबरेली से है, जहां आशा बहुओं को 10 महीने से मानदेय न मिलने से नाराज आशा बहुओं ने जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। और आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ हैं ये भेला भेला सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आशाकर्मी, जिनका कि पिछले 11 महीने का मानदेय बकाया है और इन लोगों को आप जानते होंगे कि 2000 रुपये मिलता है और वो भी 11 महीने 12 महीने 13 महीने तक बकाया दिया नहीं जाता है। अभी पीछे जो है सीएमओ ने कहा कि सबका भुगतान कर दिया गया है। इन लोगों को पिछले 11 महीने में एक महीने एक बार 1000 रुपये दिया गया है। अब आप बताइए, जुलाई बीत गई, बच्चों का एडमिशन, राखी बीत गई, दिवाली बीत गई और इनके मानदेय बकाया है। कि काम के लिए काम का घंटा तय नहीं है, ये 24 घंटे 72 घंटे 70 घंटे काम इनसे लिया जाता है, काम की कोई सीमा नहीं है। सचिव हम बोल रहे हैं, हमारी मांगे हैं ये हैं कि हमें जो है प्रदेश के हिसाब से हमारे यहाँ जो है मांगा गया था कि 2000 हम लोग की वेतन दिया जा रहा था, वो भी समय पे नहीं दिया जा रहा है। और हमें 21000 रुपये मानदेय चाहिए, हमें स्वास्थ्य बीमा चाहिए 50 लाख का, और हमारे जो है ये रिस्क कवर भी चाहिए हमारा, और एक मातृत्व योजना मातृ उस पर होने वाले पे हम लोग को छुट्टी चाहिए। हमारी जो है 5-7 मांगे हैं, 7 मांगे अगर हम पूरी करवा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और सचिव सब मिलकर के। और हमारी ये बहनें इकट्ठा हुई, आज ये मेन मुद्दा तो ये है कि आज हमारी ये बहनें इकट्ठा हुई, इनको 10 महीने से वेतन नहीं दिया गया। पे आई हैं आज? आज मैं यहाँ पर ज्ञापन देने आए, क्योंकि 10 महीना से हमें पैसा नहीं मिला। काम हमें से इतना लिया जाता कि कोई किसी की सीमा नहीं है। रात में 9 बजे 10 बजे संगिनियाँ फ़ोन करती, रिकॉर्ड करके हमें बताओ, रिकॉर्ड खोल, कितनी डिलीवरी हुई, कितने जन्म हुए हैं, कितना ये काम, हर काम हम रात में, कोई एक समय निर्धारित कीजिए कि हम लोग काम करने के, डिलीवरी के अलावा बाकी हर चीज़ हर काम करने का एक समय निर्धारित हो। अलीगढ़ में निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के साथ मतदाताओं को निर्भर मतदान करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बैठक की गई। इस बैठक में जिले के सभी नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासद शामिल हुए। बैठक में पुलिस प्रशासन ने सभी आए हुए लोगों से कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक कराने से पुलिस की मदद करें और
व्यक्ति चुनाव में शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कहा कि संभावित प्रत्याशियों से अपील है कि संदिग्ध लोगों द्वारा चुनाव में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाए, उससे पहले पुलिस को अवगत कराएं। आज थाना विजयगढ़ पर नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जो है वो जो संभावित प्रत्याशी हैं चेयरमैन और सभासद के, उनसे मुलाकात की गई, उनसे उनके साथ बैठक की गई। चुनाव में आने वाली किसी भी परेशानी के संबंध में वो मुझे बताने के लिए स्वतंत्र थे। उस संबंध में लोगों ने अपनी बातें रखी और मैंने भी अपने उनको बातें रखी कि भैया आप स्वतंत्र हैं और सभी लोग निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव को पूर्ण कराएं, सभी लोग पुलिस का सहयोग करें, अगर कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो पुलिस उसको सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सुल्तानपुर में जिला महिला चिकित्सालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया। इस कार्यक्रम में 22 नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया। इसके साथ उनके माता पिता को बेबी किट, कपड़े, बधाई पत्र, मिष्ठान के साथ फलदार पौधा देकर प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके सोनकर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं बीपी वर्मा जिला अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए ऐसा है, इसी बाल जागरूकता के तहत जो इनके अधिकार हैं उसी अधिकार के तहत अभी कुछ समय पहले हम लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे, हम लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे, जिसको हम कोरोना काल कहते हैं। उस कोरोना काल में जो भाई बहन हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बच्चों के लिए जो उनके गार्जियन ने सपना देखा होगा, उस सपना को साकार करने के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं 0 से लेकर के 18 वर्ष या इंटरमीडिएट होने तक, उनके चाहे 2 बच्चे हो 4 बच्चे हो, सबको हम 4,000 रुपया प्रतिमाह की दर से 103 बच्चों को अभी हम लाभान्वित किए, उनके खाते में सीधा पैसा गया 4-6 दिन पहले गया। इसका मेन उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के कदम में एक इनिशियल स्टेप था, पहला स्टेप, जब लड़की बच्ची का जन्म होता है तो उसके बाद उसका जन्मोत्सव हमें मनाना है और बेटा और बेटी एक समान का नारा हमें देना है। और बेटी पैदा होता है घर में तो लक्ष्मी का प्रवेश होता है, ये हमें मानना है, इस उसको धारणा को लेकर चलना है। और एक बेटी 2 घर को संभालती है, एक अपना घर एक पराया घर, जब वो शादी होकर जाती है तो सहनशील होती है, कर्मठ होती है और सब कुछ बेटी में सहन शक्ति है, तो इसको हमें बेटी को कमजोर न बनाते हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम रहा और कौन कौन लोग मौजूद रहे? कार्यक्रम को लेकर जिला अधिकारी द्वारा जो है तमाम डॉक्टर मौजूद रहे और भी जो है बाल से जुड़े हुए जो आदमी अधिकारी रहे वो भी वहां पे मौजूद रहे। उनका ये कहना था साफ तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जन्मोत्सव को लेकर जो है कल एक कार्यक्रम मनाया गया। ये कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे बेटियां ही एक अपना उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती है, वैसे ही हम उनको वृक्षारोपण देकर ही एक उनका सम्मान बढ़ाएंगे, एक उनकी जो है ताकत को बढ़ाएंगे, जिस तरह जो है वो महिलाएं जो है आने वाले समय में अपनी फील्ड वर्क में वर्क कर रही, उसी को लेकर सम्मानित किया गया है बच्चों को लेकर। आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। हमीरपुर में मौदाहा विकास खंड क्षेत्र के वैसमरी गांव में तत्कालीन ग्राम प्रधान ने मौजूदा ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तत्कालीन ग्राम प्रधान ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत विकास के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट की जा रही है। बता दें कि फर्जी जवाब कार्डों के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से खेल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूली बच्चों सहित परिजनों व कारोबारियों के खातों में ग्राम प्रधान ने फर्जी भुगतान भेजा है।
गोंडा से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां झाड़ फूंक के नाम पर मौलवी बाबा दलित महिला के साथ 6 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। वहीं आरोपी बाबा की करतूत को जब पीड़िता के बेटे ने देखा तो आरोपी बाबा ने उसके बेटे को भी मार कर फांसी पर लटका दिया, जिसके बाद पुलिस को खबर मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपी बाबा पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद आवते हैं, उसके बाद हमारे घर बैठे रहते थे, हमारा परवान नहीं रहता था। उसके बाद हम रहती राम गलत काम करे, उसके बाद जब हम लोग बोले हमारा बेटा ने देख लिया तो हमारे बेटों को बांध के टांग दिया पंखे में। कौन ना कौन है सका? बाबा। कौन बाबा? अलूनी में बाबा बाबा कहते थे। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले जैनुल आब्दीन के ऊपर यह आरोप लगाया है कि झाड़ फूंक के नाम पर इसके साथ 6 माह से शारीरिक संबंध बनाए रखा तथा इसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करता रहा, और जब इसका विरोध इसके लड़के द्वारा किया गया तो उसे भी मोहम्मद जैनुल आब्दीन द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जैनुल आब्दीन को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, झाड़ फूंक के नाम पर महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल मयूरी जी, बता दें कि एक मौलवी था जो झाड़ फूंक के जिसे 6 महीना से तब क्या करता था। यह पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले को बताया जा रहा है, और जब इसका विरोध उसके लड़के ने किया तो उसको फांसी से लटका दिया गया। जब फांसी से लटका उसके तहरीर पर तहरीर दी गई तो पुलिस उसको आत्महत्या बताई गई है। 6 महीने से लगातार शोषण किया जा रहा था। जी बिल्कुल बता दो, जब ये पुलिस को संज्ञान में तो पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के कड़हेड़ा इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस ने बदमाशों पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बाइक सवार बदमाशों को पकड़ लिया। बता दें कि बदमाश बाइक पर सवार होकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने छानबीन कर दोनों बाइक सवार बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पर साहिबाबाद पुलिस के द्वारा चेकिंग कराई जा रही थी। करैड़ा मोड़ के पास में जब एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सवार दो बदमाशों ने भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। इनका पीछा करके पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें बदमाशों के द्वारा फायर किया जा रहा था। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जो फायर किया गया उसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा एक को पकड़ लिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके लिए स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के माध्यम से जनपद में लगभग 4.5 लाख तिरंगा फहराकर लोगों ने देशभक्ति की भावना पैदा किया और यह तिरंगा जनपद में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से जनपद के कोने कोने में पहुँचाया गया। लेकिन यह सभी तिरंगा विभिन्न विभाग के द्वारा NRLM विभाग के द्वारा उधार लिया गया, जिसका बकाया अभी तक नहीं चुकाया गया है, जो करीब 50 लाख से ऊपर बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने मामले में जानकारी दी और कहा कि विभाग ने धीरे धीरे उक्त बकाये की रकम देना शुरू कर दिया है। गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के दौरान संघ सहायता समूहों के द्वारा काफी अधिक संख्या में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया गया और उनको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने के लिए उनको निर्देश भी दिया गया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी तक हम लोगों ने समूहों के द्वारा इतनी अच्छी भागीदारी पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जितनी अच्छे कार्यक्रम इस बार इन्होंने किया है।
एक काफ़ी बड़ी संख्या थी और उसमें से धनराशि जो है विभागों के द्वारा जो जमा कराई जानी थी वो उनको अदा भी कर दी गई है, जमा भी करा दी गई। खबर गाजियाबाद से है जहां के बस अड्डे जीटी रोड साई उपवन के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर करीब 50 छात्र बैठे दिखाई दिए, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 20 लोगों के बैठने की जगह होती है, वहीं ट्रॉली में करीब 50 छात्र जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बुलंदशहर के कस्बा अनूप शहर और डीवाई व पहासू में अंग्रेजी शराब की दुकान पर ठेकेदार सलमानों ने अवैध वसूली करा रहे। जानकारी के मुताबिक शराब को ठेके पर 10 रुपए प्रति बोतल ओवर रेट में बेची जा रही है। वहीं इस मामले पर आबकारी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वसूली अधिकारियों की सह पर हो रही है। बेटा तेरा? मेरा नाम रवि है। कितने की बोतल लिए? 570। कितना प्रिंट है इस पे? इस पे 560 रुपए। 10 रुपए फालतू लेते हैं? 10 रुपए हर पूछी ना, आर एस का ले लो, कोई सा ले लो। हाँ हाँ, 10 रुपए सब पे एक्स्ट्रा मारते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, शराब ठेके पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? मयूर, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में देवाई अनूपशहर और पासों में जहां शराब के ठेकों पर एक बोतल पर ओवर रेट पैसे लिए जा रहे हैं, जिसमें की कस्टमरों ने कई बार शिकायत भी की, उसके बावजूद आबकारी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के लालपुर कॉलोनी का मामला, जहां बच्चों के विवाद में दबंग लोगों ने लाठी डंडों के साथ अवैध हथियारों से लैस होकर घर में घुसकर मारपीट कर एक महिला सहित 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जानकारी के मुताबिक दबंग लोग ग्राम प्रधान के गुर्गे बताए जा रहे हैं। ये रात को लालपुर के सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर आ गए, लाठी डंडे और तमंचे लेके आए और घर में मारने लगे, लेडीजों के साथ में बदतमीजी की। तो क्या कोई शिकायत वगैरह आपने की है? हाँ जी, थाने में रात तहरीर दी थी, हमारा मेडिकल नहीं हो पाया, सुबह की कहा था उन्होंने। अब गए तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे पहले अपने बच्चों को बुलाओ, उसके बाद में हम देखेंगे। तो क्या कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कोई वीडियो वगैरह है आपके पास? जी है हमारे पास। क्या हो रहा है वीडियो में, क्या दिख रहा है? वीडियो में लड़के हैं और जो हमारे गेट में मार रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में जाकर की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़ित परेशान होकर न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद एसएसपी ने पीड़ित की समस्या सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। मोहम्मद अली, क्या मामला, किस मामले में लेकर आए हैं? 88 से मेरी जगह काबिज हूँ जमीन पर आज तक, और सही शहर की आधी रात को घुमापियों में घुस कर इस पर कब्जा कर लिया, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया हूँ। कौन है वो लोग? वो सिराज है। कहाँ का मामला है जी? कहाँ का है ये? ऊपरकोट का रहने वाला है। भोजपुरा? अब भोजपुरा में। जगह कहाँ पर? यहाँ पर कब्जा किया? भोजपुरा में मुल्लापाड़ा। अच्छा, बिजली घर के पास जगह है मेरी। इससे पुलिस की शिकायत की आपने? पुलिस ने कोई मदद हमारी नहीं करी, हमारी सुनवाई भी नहीं करी होगी, कह दिया हमसे कि हमने आपकी सूचना जो सारे अधिकारियों को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, देखते रहिए प्राइम टीवी।